और बहुत थैंक्स। आज हम बाबा की मुरली का सार सुनते हैं। वैसे तो हम रोज बाप दादा की मुरली सुनते हैं, बाबा की मुरली ही समर्थ संकल्पों का खजाना है। और रोज रोज बाबा के एक-एक महावाक्य हमें बहुत सारी प्रेरणा देता है। बाबा की एक एक बातों का हम मनन चिंतन करते हैं तो हमारे अंदर एक समर्थी आ जाती है। और बाबा की मुरली से बाबा के सभी बच्चों को बहुत प्यार है, क्योंकि बाबा ने हमें मुरली जिस ढंग से सुनाई, जैसे एक छोटे बच्चों को माता पिता कैसे शिक्षा सावधानी देते हैं, तो ऐसे ही बाबा भी हमें रोज रोज मुरली में इतनी प्यार भरी बातें सुनाते हैं और इतनी पालना करते हैं। और इसलिए बाबा के हर एक बच्चे को लगता है कि मैं बाबा की मुरली को रोज सुनूं। तो इस तरह से हम बाबा की मुरली को सुनते हैं, समाते हैं और स्वरूप में लाते हैं। और सुनना तो हमने बहुत किया है और समाया भी है, लेकिन अभी समय है कि हम बाबा की मुरली को स्वरूप में लाए। तो अभी जो समय चल रहा है वो समय भी हमें इशारा ही देता है कि बाबा की मुरली की एक एक बातों को प्रैक्टिकल लाइफ में लाना बहुत जरूरी है। और इसलिए हम बाबा की मुरली को बहुत प्यार से सुनते हैं। तो अभी हम बाबा की मुरली का सार सुनाएंगे। आज बाप दादा की 2 तारीख की वाणी है। मीठे बच्चे, तुम सारे विश्व पर शांति का राज्य स्थापन करने वाले बाबा के मददगार हो। अभी तुम्हारे सामने सुख शांति की दुनिया है। बाबा बता रहे हैं कि बच्चे आपका कार्य क्या है, सारे विश्व पर शांति का राज्य स्थापन करना। और बाबा ने जो एक शब्द कहा कि बाबा के मददगार हो, माना हमें कितना नशा चढ़ता है कि हम कौन है। बाबा के मददगार यानी हाईएस्ट ऑथोरिटी, ऑलमाइटी ऑथोरिटी के हम मददगार बने, ये कोई साधारण बात नहीं है, ये कोई छोटी सी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है कि हम भगवान के कार्य में मददगार बने। और कार्य भी कौन सा बाबा ने दिया, सारे विश्व में शांति का राज्य स्थापन करना। और बाबा ने कहा अभी तुम्हारे सामने सुख शांति की दुनिया खड़ी है, ना सुख शांति का संसार बाबा ने हमारे सामने रख दिया है, यानी सतयुगी दुनिया। जिस सतयुगी दुनिया को देख करके हमें कितनी खुशी मिलती है। अभी तो सिर्फ बाबा ने वर्णन किया है और हम इमेज करते कि सतयुगी दुनिया कैसी होगी, लेकिन जब हम उस दुनिया में जाएंगे तो उस दुनिया का जो सुख है ने वो बहुत ही हाईएस्ट है जो बाबा हम बच्चों को देता है। प्रश्न है, बाबा बच्चों को किस लिए पढ़ाते हैं, पढ़ाई का सार क्या है? बाबा हम बच्चों को किस लिए पढ़ाते हैं और पढ़ाई का सार क्या है? उत्तर है, बाबा अपने बच्चों को स्वर्ग का प्रिंस, विश्व का मालिक बनाने के लिए पढ़ाते हैं। बाबा कहते बच्चे, पढ़ाई का सार है दुनिया की सब बातों को छोड़ दो। तो कितनी अच्छी बात बाबा ने बताई कि बाबा हमें जो पढ़ाई पढ़ा रहा है इतने सालों से, उस पढ़ाई का सार बाबा ने एक ही लाइन में कहा, पढ़ाई का सार है दुनिया की सब बातों को छोड़ दो। जब सारी बातें छूट गई तो बस सिर्फ हम और बाबा ही रहेंगे, तो बाबा के साथ ही हमारा बुद्धियोग छूट जाए। ऐसे कभी नहीं समझो हमारे पास करोड़ है, लाख है, कुछ भी हाथ नहीं आएगा। अगर कोई समझे कि हमारे पास तो लाख है, करोड़ है, लेकिन बाबा कहते सब मिट्टी में मिल जाना है, आपके तो हाथ में कुछ भी आने वाला नहीं, सब कुछ विनाशी है, सब समाप्त होने वाला है। तो बाबा ने हमें शिक्षा दी, इसलिए अच्छी रीति पुरुषार्थ करो, पढ़ाई पर ध्यान दो।
बाबा ने कहा कि बच्चे आप अच्छी रीति से पुरुषार्थ करो, क्योंकि हमारा पुरुषार्थ ही है हम सब कुछ भूल जाए, सबसे ममत्व मिटा दे और सिर्फ एक बाबा ही याद रहे, ये हमारी पढ़ाई का सार है, यही हमारा पुरुषार्थ है। बाबा ने कहा बच्चे पढ़ाई पर अच्छी तरह से ध्यान दो, क्योंकि बाबा की पढ़ाई ही हमें स्वर्ग का मालिक बनाती है, बाबा की पढ़ाई ही हमें बेकर टू प्रिंस बनाती है, बाबा की पढ़ाई ही हमें सत्य की दुनिया का मालिक बनाती है। और इसलिए बाबा ने कहा कि बच्चे पढ़ाई पर अच्छी तरह से ध्यान दो, क्योंकि बाबा के एक एक महावाक्य हमें बहुत ऊंचाई पर ले जाता है, और जितनी बाबा की मुरली की हम एक एक बात को ध्यान से सुनते हैं, एक एक बात को अंदर समा लेते हैं, उतना ही हमें सुख की फीलिंग आती है। और इसलिए बाबा कहते बच्चे संगम युग का ये एक जन्म भी 21 जन्मों में गिनती होता है, जो बाबा हमें 21 जन्मों का वर्षा देता है सुख का, तो अभी हम बाबा से जो सुख ले रहे हैं तो बाबा की पढ़ाई से, बाबा की प्यार और पालना से। कहते हैं आखिर वह दिन आया आज, बाबा ने भी हमें ये बात याद दिलाई कि जिसके लिए आप इंतजार करते थे, राह देखते थे कि भगवान कभी न कभी तो हमें मिल जाए, भगवान कभी न कभी तो हमें दर्शन दे दे, तो हम अभी बहुत खुश नसीब है कि आखिर वह दिन आज आया तो स्वयं भगवान हमें मिल। धारणा के लिए सार है, सवेरे सवेरे उठ पैदल करते बाबा को याद करो। बाबा ने कहा कि बच्चे सवेरे उठते हो, जैसे अमृत वेले हम उठते हैं, तो बाबा ने आज कहा कि बच्चे ऐसा भी नहीं कि आपको बैठ करके ही याद करना है। बाबा कहते बच्चे आप पैदल करते भी बाबा को याद कर सकते हो, और बाबा ने तो कहा कि बच्चे बाहर भी आप चले जाओ, बाहर बहुत अच्छा वातावरण है, वहां जाकर के भी आप पैदल करते हुए बाबा को याद करो, आपस में यही मीठी रूह रिहान करो कि देखे कौन कितना समय बाबा को याद करता है। आपस में दूसरे भी भाई बहने होते हैं, साथ में चलते हैं, तो बाबा कहते ये भी रूह रिहान करते हुए चलो कि सारे दिन में हम बाबा को कितना समय याद करते, माना हमारा जो याद का चार्ट है वो कितने घंटे तक का है। तो बाबा ने कहा कि ये भी आप एक दूसरे से बात करो, शेयर करो, है तो हमें एक दूसरे से भी प्रेरणा मिलती है कि वो बाबा को कितना समय याद करता है। अगर वो 4 घंटा याद करता है तो बाबा ने आज मुरली में कहा बच्चे रेस नहीं करो लेकिन रेस करो, कि जैसे वो आत्मा इतना घंटा याद करते तो मुझे भी रेस करनी चाहिए, वो 4 घंटा करती है तो मुझे 5 घंटा याद करना चाहिए, फिर अपना अनुभव सुनाओ। यानी बाबा कहते कि हम बाबा को याद करते किस तरह से याद करते हैं, हमारी स्थिति कैसी है, हमारी स्टेज कैसी है जब हम याद में बैठते हैं तब, या चलते फिरते याद करते कर्मयोगी बनकर याद करते हैं तो हमारी स्टेज कैसी है, तो एक दूसरे को सुनाओ। जितना हम एक दूसरे से अनुभव शेयर करते हैं तो हमें कुछ ना कुछ सीखना मिलता है, प्रेरणा मिलती है। दूसरी पॉइंट, बाबा को पहचान लिया तो फिर कोई बहाना नहीं देना है। जब बाबा को पहचान लिया तो बहाना नहीं देना है। देखा जाता है तो बहाना किस में देते हैं बच्चे, पढ़ाई में देते हैं, क्योंकि कभी कभी बाबा को कहते बाबा हमें पढ़ाई के लिए फुर्सत नहीं मिलती है, या कहेंगे बाबा आपकी याद के लिए हमें फुर्सत नहीं मिलती है, माया के बहुत तूफान आते हैं, तूफान आते हैं तो फिर हम क्या करें, तो ऐसे ऐसे कुछ बातें बाबा को कहते हैं। तो बाबा ने कहा अरे आपने बाबा को पहचान लिया तो अभी बहाना क्यों, जब पता चल गया कि मुझे कौन मिला है, तो बाबा ने कहा कि जब बाबा इतनी बड़ी ऑथोरिटी मिली है, वो मुझे पढ़ा रहा है परम धाम से आकर के, तो मुझे उस पढ़ाई में लग जाना चाहिए, मुरली कभी मिस नहीं करनी। बाबा कहते कि बच्चे कभी भी मुरली मिस नहीं करो,
अभी तो बाबा के सभी बच्चे बहुत अटेंशन दे रहे हैं मुरली के लिए। पहले मुरली इतना अटेंशन से नहीं सुनते थे, लेकिन अभी सभी को समय मिला है और बाबा की मुरली को बहुत अच्छी तरह से सुनते हैं। से कई भाई बहन अपना अनुभव भी सुनाते कि पहले हम मुरली सुनते थे तो दौड़ भाग के समय में हम मुरली सुनते हैं तो बहुत सारी बातें माइंड में होती है, इसलिए मुरली की भी बातें मिस हो जाती थी, बैठते थे सुनने के लिए। लेकिन बहुत सारी बातों का बोझ होने के कारण मुरली की पॉइंट भी भूल जाती थी, लेकिन अभी हम बहुत फ्री है, निश्चिंत है और इसलिए बाबा की मुरली को बहुत प्यार से सुनते हैं और अभी एक एक बात हमें समझ में आ रही है, तो ये समय ने भी हमें बहुत अच्छा फायदा दिया, वरदान है। रियलिटी द्वारा हर कर्म व बोल में रॉयल्टी दिखलाने वाले फर्स्ट डिवीजन के अधिकारी भव। रियलिटी द्वारा हर कर्म व बोल में रॉयल्टी दिखलाने वाले फर्स्ट डिवीजन के अधिकारी भव। रियलिटी अर्थात अपने असली स्वरूप की सदा स्मृति। बाबा ने बहुत सत्य बात बताई, रियलिटी माना अपने असली स्वरूप की सदा स्मृति। हमारा असली स्वरूप है कि हम एक आत्मा है, आत्मिक स्मृति आना ही सत्य स्वरूप को जानना पहचानना, जिससे स्थूल सूरत में भी रॉयल्टी नजर आए। पहले हम दैहिक भान में रहते थे, एक दूसरे को दैहिक दृष्टि से देखते थे, तो वो कोई हमारी रॉयल्टी नहीं थी। लेकिन जब बाबा कहते अभी आप आत्मिक स्वरूप से सभी को देखने लगे है, तो आपके अंदर एक रॉयल्टी आ गई। रियलिटी अर्थात एक बाप दूसरा ना हो, ये भी हमने सत्य बात को जाना। रियलिटी ये भी हमने जानी कि एक बाप दूसरा ना हो, यानी एक परम पिता परमात्मा ही सत्य है, आत्मा सत्य है, परमात्मा सत्य। इस स्मृति से हर कर्म व बोल में रॉयल्टी दिखाई देगी। जो भी संपर्क में आएगा उन्हें हर कर्म में बाप समान चरित्र अनुभव होंगे। बाबा ने कहा जो भी आपके संपर्क में आएंगे, क्योंकि जब हम कर्म करते तब हम एक दूसरे के संपर्क में आते हैं और जब हमारी रॉयल्टी उनको नजर आएगी तो उनको भी लगेगा कि ये हम सबसे न्यारा है, यानी बाप समान चरित्र अनुभव में आएगा। हर बोल में बाप के समान अथॉरिटी और प्राप्ति की अनुभूति होगी। बाप समान अथॉरिटी के बोल, जैसे बाबा हमें जो भी कुछ सुनाते हैं हर बोल में अथॉरिटी, बाबा बहुत निर्भय होकर के हमें एक एक बात बताते हैं और बाबा भी चाहता है कि मैं भी अपने बच्चों को ऐसा ही बनाऊं, जैसे मैं सत्य बात सुनाता हूँ अथॉरिटी के साथ, ऐसे मेरे बच्चे भी जो बात औरों को सुनाते वो अथॉरिटी के साथ सुनाए, क्योंकि हम जो भी कुछ सुना रहे वो सत्य सुना। और बाबा ने कहा बाप के समान अथॉरिटी और प्राप्ति, प्राप्ति की भी हम अनुभूति करेंगे। उनका संग रियल होने के कारण पारस का काम करेगा। जो आत्मा रियलिटी और रॉयल्टी वाली है उनके संग में जो भी आएंगे तो उनको भी ऐसे अनुभव होगा कि जैसे पारस के समान, जैसे हम बाबा के संग में आए तो हमें बाबा पारस जैसा लगा, उनका स्पर्श मिलते ही आत्मा को अनुभूति होने लगी। ऐसे बाबा कहते आपके संग में भी जो आत्माएं आएगी उनको भी ऐसे अनुभव होगा कि जैसे पारस है, इनके पास आने से मुझे प्राप्ति की अनुभूति होगी। ऐसी रियलिटी वाली रॉयल आत्माएं ही फर्स्ट डिवीजन के अधिकारी बनती है। बाबा ने कहा ऐसी रियलिटी वाली रॉयल आत्माएं सतयुग में फर्स्ट डिवीजन में आने की अधिकारी बन जाती है, क्योंकि उनका संग भी बहुत प्राप्ति कराता है, उनके बोल के अंदर भी ऑथोरिटी होती है,
उनका हर कर्म भी बाप समान होता है, इसलिए बाबा ने कहा कि वो आत्मा फर्स्ट डिवीजन के अधिकारी बन जाए। स्लोगन, श्रेष्ठ कर्मों का खाता बढ़ाओ तो विकर्मों का खाता समाप्त तो हो जाएगा। बाबा ने कहा श्रेष्ठ कर्मों का खाता बढ़ाओ तो विकर्मों का खाता समाप्त तो हो जाएगा। श्रेष्ठ कर्म हम सभी ब्राह्मण बच्चे कर रहे हैं, लेकिन जितना हमारा श्रेष्ठ कर्म बढ़ता जाएगा उतना ही और आत्माओं को भी सुख मिलेगा और बाबा ने कहा दुआ मिलेगी जिससे आपका विकर्मों का खाता समाप्त तो होने लगेगा। तो अभी समय है कि हम अपने श्रेष्ठ कर्मों का खाता इतना भरपूर कर दे कि हमारे एक एक विकर्म समाप्त हो जाए, दग्ध हो जाए। और श्रेष्ठ कर्म यानी ही पुण्य कर्म, जितना पुण्य कर्म हमारा बढ़ता जाएगा उतना ही दुआ मिलेगी और जो हमारे संग में आएंगे उनको सुख की अनुभूति होगी। हमारे मीठे व्यवहार के द्वारा भी वो आत्मा को सुख मिलेगा और इसलिए पुण्य कर्म करना माना ही हम और आत्माओं को सुख दें, उनके साथ स्नेह भरा व्यवहार करें, उनको सहयोग दें। जब हम ये सब कर्म करने लग जाएंगे तो हमारा पुण्य का खाता, श्रेष्ठ कर्मों का खाता भरपूर होता जाएगा। आश्रम बाबा की मुंडी का ये सार सुना, जो बाबा हम सभी बच्चों को एक एक बात बहुत प्रेरणादायी करते हैं और हम भी बच्चे जब एक दूसरे को ये बात सुनाते हैं तो उनको भी हमारे द्वारा प्रेरणा। કુકી બેન તમે હવે ચાલુ જ કરો ખો હા જી બેન ચાલુ જ રાખો યા હા જૈસે હમ બાબા કી મુરલી સુન રહે થે ઓર બાબા ભી અભી હમ સભી કો યહી પ્રેરણા દે રહે હે યહી ઇશારા કર રહે હે કી બચ્ચી અભી હમે યહાં સે વાપિસ ઘર જાના હે તો જૈસે હમને અપની બડી દીદી मनमोहिनी दीदी का एक जो संदेश आया था वो सुना तो ऐसे लगा कि जैसे दीदी ने अंतिम समय में कौन सा पुरुषार्थ किया। तो दीदी ने वो संदेश में बताया कि जब अंतिम दिन मेरे चल रहे थे तो मैं बहुत उपराम हो गई थी और ऐसे लग रहा था कि जैसे बाबा ने मुझे उपराम बना दिया। मैं चलते फिरते भी अनुभव करती थी कि मैं बहुत उपराम हो चुकी, मैंने वृत्ति ही उपराम हो गई थी। और दीदी ने ये बात भी बताई कि जैसे अंतिम दिनों में मुझे ऐसे लगता था कि अब घर चलना है, तो ये जैसे मैंने अंदर रट लगा दिया था। दूसरी बात ये थी कि मैं अपने आप को ये बात में पक्का कराती थी कि चलते चलो खड़े नहीं रहो और अब घर चलना है। बस इस बात को मैंने इतना पक्का कर दिया कि मेरी वृत्ति बहुत उपराम हो गई, सब कुछ करते हुए भी जैसे मैं बिल्कुल न्यारी हो गई थी। और जैसे दीदी ने कहा कि राम का अजपा जाप जपते हैं ना, राम 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 करते रहते हैं, तो मेरे अंदर भी ऐसे ही अजपा जप चल रहा था कि अब घर जाना है, अब घर जाना है। तो दीदी का ये जो मंत्र है वो अभी हमें भी प्रैक्टिकल में लाना है कि दीदी ने जैसे इस मंत्र के द्वारा अपने आप को उपराम बना दिया, न्यारा प्यारा बना दिया और घर चले गए। ऐसे अब हमें भी समय इशारा दे रहा है कि अब घर जाना है, तो हम इस मंत्र को पक्का कर दें और अंदर अजपा जाप चलता रहे तो हमारी वृत्ति भी इस दुनिया से और देह से पुराने स्वभाव संस्कार से उपराम होती जाएगी। क्योंकि हम सभी ने इन बातों को इतना पकड़ा हुआ है जिसके कारण हम उपराम नहीं हो पाते, लेकिन अभी जो वर्तमान समय है
वो बाबा ने बहुत अच्छा दिया है जिसके कारण हम ऑटोमेटिक उपराम हो गए, क्योंकि अभी हमें ना अपनी देह के तरफ ध्यान है, ना दुनिया की तरफ ध्यान है, ना कोई संबंध संपर्क वालों की तरफ, लौकिक वालों की तरफ कोई ध्यान है। अभी हमारा संसार सिर्फ एक बाबा और बाबा के बच्चों की पालना करना, बस यही हमारा लक्ष्य है। और जो भी दुनिया में आत्माएं है, दुखी अशांत है, उन आत्माओं को हमें प्रकाश देना। तो माना बाबा ने जो हमारा कर्तव्य है उसकी स्मृति भी साथ साथ दिलाई, समय भी हमें इशारा दे रहा है और बाबा भी हमें कह रहा है कि बच्चे अभी सभी आत्माओं को दुख अशांति से मुक्त करो, क्योंकि बाबा भी चाहता है कि जब मेरे बच्चे तैयार हो जाएंगे तभी तो मुक्ति धाम का गेट खुलेगा। तो अब हम देख रहे हैं कि बाबा कहते कि बच्चे अब फरिश्ता बनो। तो जैसे हम देखते हैं कि पंछी का झुंड आसमान में उड़ता है, तो एक पंछी उड़ता है तो किसी की भी नजर नहीं जाती है, लेकिन जब बहुत सारे पंछी एक साथ उड़ते हैं तो सबकी नजर जाती है, क्योंकि बहुत बड़ा झुंड होता है। वैसे आज तक हम सभी बाबा के एक एक बच्चे पुरुषार्थ करते थे, लेकिन वर्तमान समय जो सभी बच्चे इतने तीव्र पुरुषार्थ में लग गए हैं और सभी फरिश्ता बनने का पुरुषार्थ कर रहे हैं, तो ऐसे लग रहा है कि जैसे झुंड तैयार हो रहा है, माना संगठन तैयार हो रहा है। एक फरिश्ता ऊपर उड़ेगा तो इतना नजर नहीं जाएगा, लेकिन जब बाबा के इतने ब्राह्मण बच्चे फरिश्ता बन करके इतने बड़े झुंड में उड़ करके सारे विश्व की आत्माओं को सकाश देने का कर्तव्य अभी कर रही है, लेकिन फिर भी अभी हमें ये पुरुषार्थ और तीव्र करना होगा, तब हम सबको आसमान में नजर आने लगेंगे कि सचमुच ये फरिश्ता कौन है, ये कौन सा दूत है, ये कौन सा मैसेंजर है। क्योंकि हम सभी सेवा तो कर ही रहे, सकाश भी दे रहे हैं, लेकिन फिर भी अभी जो आत्माएं हमें ये अनुभव नहीं बता रही है कि हमें ऐसे दिखाई दिया, लेकिन मुझे इसे अनुभव हो रहा है कि अगर ये सब कुछ जो वायरस खत्म हो जाएगा तो बहुत सारी आत्माएं बाबा के घर में आने वाली है, ये बिल्कुल स्पष्ट नजर आ रहा है कि बहुत सारी आत्माएं भी तड़प रही है कि कब ये खुले, यानी बाबा का घर कब खुले और हम वहां जाए। तो बहुत नॉन बीके भी बाबा के घर में आने के लिए तड़प रहे हैं, सब मेडिटेशन सीखने के लिए तड़प रहे हैं। तो ये लग रहा है कि सचमुच इतने सारे बाबा के बच्चे जो सकाश देने की सेवा कर रहे हैं, तो अभी थोड़े समय में नजर आने लगेगा कि सारे फरिश्तों का झुंड आसमान में उड़ने लगा है और सभी उनसे सकाश देने लगे हैं और बहुत सारे आत्माएं और आती जाएगी और वो भी हमारे संगठन में जुटने लग जाएगी। तो ये समय अभी बहुत नजदीक है। दूसरी बात बाबा हमें कहते हैं कि बच्चे एवर रेडी रहो, और एवर रेडी रहने के लिए हमें कुछ तो पुरुषार्थ करना होगा। जैसे बाबा डबल विदेशियों को भी कहते हैं डबल पुरुषार्थ, तीव्र पुरुषार्थी। तो तीव्र पुरुषार्थी माना ही क्या? तो बाबा ने बहुत सारी ऐसी बातें बताई है कि तीव्र पुरुषार्थी किसको कहा जाए। तो मुझे दो बातें याद आती है, तीव्र पुरुषार्थी माना नष्ट मोहा और एवर रेडी। अब हमें नष्ट मोहा भी बनना है और एवर रेडी। अगर ये दो बातें हमारे पुरुषार्थ में तीव्रता से आ जाए तो सचमुच हम बाबा जो चाहना रखते हम बच्चों से वो पूरी हो जाएगी। जैसे नष्ट मोहा बनना है तो हम सबसे पहले देह भान से और देह अभिमान से नष्ट मोहा बने, क्योंकि ये दो बातें हम सबको पकड़ कर रखती है, देह भान भी और देह अभिमान भी। इसके बाबा के बनने के बाद तो ये दोनों बहुत कम हो चुके हैं परसेंटेज में, लेकिन फिर भी संपूर्णता से वो खत्म नहीं हुई है।
माना जो बाबा चाहता है कि हम 100% संपूर्ण बन जाए, तो वो अभी तक नहीं हुआ है। उसका कारण है कि देहमान और देहाभिमान। तभी पहले हम ये दो बातों से नष्ट मुहा बने, तो मुझे ऐसे फील होता है कि सारी बातों से हम नष्ट मुहा बन जाएंगे, क्योंकि ये दो बातें ही बहुत बड़ी है। इससे ही नष्ट मोहा होना टाइम लगता है। तो अगर ये दो बातें हमारे अंदर से निकल जाएगी तो हम सहज नष्ट मोहा भी हो जाएंगे। और दूसरी बात एवर रेडी। और बाबा ने हमें ये भी बताया कि बच्चे जो भी कुछ होना है वो अचानक होना है, और अचानक होगा उसके लिए एवर रेडी तो रहना ही पड़ेगा। अगर हम एवर रेडी नहीं रहेंगे तो हमारी स्थिति ही डाउन हो जाएगी। तो जैसे हमने बड़ी दादी जी को देखा, प्रकाशमयी दादी जी को, कि वो सदा एवर रेडी थी। यानी दादी का पुरुषार्थ ही ऐसा था कि लगता था कि दादी एवर रेडी है। और दादी एवर रेडी भी क्यों थे? क्योंकि दादी सभी बातों में इजी थे। तो ऐसे लगता है कि जो इजी होता है वो एवर रेडी बन जाता है। दादी स्वभाव संस्कार में भी इजी थे। दादी दूसरों के स्वभाव संस्कार को जानते हुए भी उनके साथ इतना इजी रीति से पेश आते थे। जैसे हमने दादी को देखा कि बच्चों के साथ बच्चे, जवान के साथ जवान, बूढ़ों के साथ बूढ़े, माताओं के साथ माताओं के जैसे। तो दादी इतने इजी थे, यानी संस्था की इतने बड़े हेड होते हुए भी वो सबके साथ इतना इजी रहते थे। और जिसके कारण दादी अपने आप को भी संतुष्ट रख सकते थे और औरों को भी संतुष्ट करने में इजी थे। तो लगता है कि जो इजी रहता है वो सदा एवर रेडी भी रहता है। तो अब हमें भी एवर रेडी रहना है, क्योंकि अचानक के पेपर में हम सबको पास भी होना है। और अचानक का पेपर तो आना ही है, ये हम सभी जानते हैं, क्योंकि परिस्थितियां हमें बहुत कुछ सिखा रही है। अभी भी जो परिस्थिति आई है उन्होंने भी हम सबको बहुत कुछ सिखाया है, क्योंकि जो भी कुछ आएगा वो बाबा की मुरली के आधार से बिल्कुल 100% होने वाला है। और वो आज भी सभी दुनिया के लोग बोल रहे हैं, क्योंकि बाबा के बहुत सारे बच्चों ने दूसरे को ज्ञान सुनाया होता है। तो अभी ये समय में वो सब नॉन बीके भी उनको बता रहे कि आपने हमें ये कहा था ना कि ऐसे ऐसे होने वाला, ऐसे ऐसे होने वाला, तो ये सब कुछ अभी हो रहा है। तो ये उनको भी विश्वास बैठने लगा है कि माना ये सब कुछ होने वाला है, माना जो ब्रह्मा कुमारी संस्था वाले कहते थे वो सब कुछ होने वाला है। तो बाबा ने तो हमें बहुत पहले तैयार किया है, बहुत पहले बाबा ने हम सबको ये शिक्षा दी हुई है। माना समय आने के कितने साल पहले बाबा ने हमें तैयार किया हुआ है कि बच्चे ऐसे ऐसे होगा। तो हम बाबा के बच्चे बहुत निश्चिंत हो गए हैं। मुझे नहीं लगता है कि कोई भी बाबा के बच्चों को कोई फिकर चिंता हो। एकदम जैसे बेफिकर बादशाह की तरह ही पुरुषार्थ कर रहे हैं, माना अपने कार्य व्यवहार को भी संभाल रहे हैं और पुरुषार्थ में और भी तीव्रता ला रहे हैं। पहले भी कार्य व्यवहार करते थे, अभी भी कर रहे हैं, लेकिन अभी ये बाबा की याद पल पल सभी बच्चों को आ रही है। उसका भी कारण तो यही है कि सचमुच बाबा ने हम बच्चों को पहले से प्रेरणा दी हुई थी, उस प्रेरणा के आधार से हम अपने पुरुषार्थ को भी बहुत फास्ट कर सकते हैं। और दूसरी बात कि बाबा ने हमें बहुत सारा खजाना दिया हुआ है, क्योंकि हम बाबा को तो कहते ही है सर्व खजानों का दाता। जब बाबा ने हमें इतना खजानों से भरपूर कर दिया है कि एक भी आत्मा बाबा को उलहना नहीं दे सकती कि बाबा आपने मुझे ये नहीं दिया था, बाबा आपने मुझे वो नहीं दिया था। और बाबा तो हमेशा कहता है कि बच्चे मैं तो दाता हूं, मैं सबको दे रहा हूँ, लेने वाले कितना लेते हैं उस पर आता है, कोई ज्यादा लेते हैं कोई कम लेते हैं, लेकिन बाबा ने सबको एक जैसा दिया है। जैसे बाबा हमें रोज रोज वरदान देता है,
तो वरदानों से भी हमें भरपूर करता है। हम जब बाबा को याद करने बैठते हैं तो उस समय भी ऐसे लगता है कि जैसे बाबा हमें वरदानों की ही वर्षा कर रहे हैं। तो ऐसे अनुभव होता है कि बाबा हमें वरदानों से भी माला माल कर रहा है। दूसरा, बाबा हमें स्वमानों का भी इतना खजाना देते हैं कि एक एक स्वमान को भी हम अगर अपने अंदर ले आए तो एक एक स्वमान हमें माला माल बना देता है। एक एक स्वमान से हमारी स्थिति कितनी अच्छी होती है। और इसलिए बाबा के बहुत सारे बच्चे ये भी प्रैक्टिस करते हैं, स्वमान रोज रोज स्वमान को स्मृति में लाते हैं, स्वमान को लिखते भी है। तो जब बाबा के एक एक स्वमान भी इतने ऊंचे हैं कि अगर वो स्वमान को हम स्मृति में लाते हैं तो समर्थ ही आ जाती है। और जितनी समर्थ ही आती है इतनी हमारी स्थिति भी अच्छी बनने लगती है। तो बाबा ने स्वमानों का खजाना दिया है, वरदानों का खजाना दिया है, दुआओं का भी खजाना दिया है। बाबा तो हमें दुआ देता ही है। सचमुच हम सुबह आंख खोलते बाबा को देखते हैं, बाबा को गुड मॉर्निंग करते हैं और तुरंत बाबा की हमें दुआ मिल जाती है। माना हम उठते भी दुआओं से हैं और रात को सोते भी दुआओं से। तो आप सोचिए सारे दिन में भी हमने कितनी दुआएं जमा की होगी। जब भगवान की दुआओं का हाथ मेरे सिर पर है तो हमें तो कोई भी बात की कमी है ही नहीं। भगवान जिसको दुआ देता हो वो तो कितना भाग्यवान है। इसलिए बाबा ने हमें नशा चढ़ाया है कि तुम कौन हो, पद्मा पदम भाग्यवान आत्मा। तो ऐसे एक एक स्वमान को हम लेते हैं तो जैसे खजाना खुल जाता है, क्योंकि ये बाबा तो खुद ही सबसे बड़ा खजाना है। इसलिए तो बाबा के एक एक बच्चे क्या कहते हैं, बाबा मिला माना सर्व खजानों की चाबी मिली। तो बाबा मिलता है और हमें सब कुछ प्राप्त हो जाता है, कोई भी कमी नहीं रहती है। क्योंकि आंतरिक भी हमारे अंदर इतनी प्राप्ति होने लग जाती है, बाह्य प्राप्ति तो होती ही है। और किसी को बाह्य प्राप्ति इतनी न भी होती हो तो भी आंतरिक प्राप्ति से उनकी संतुष्टता इतनी बढ़ जाती है कि उनको बाह्य प्राप्ति न भी हो तो भी कोई कमी महसूस नहीं होती, क्योंकि उनके पास बाबा सबसे बड़ा खजाना है। इसलिए तो बाबा कहते ना, मेरा बाबा कहो और खजानों की चाबी मिल जाती है, जैसे लॉक खुल जाता है। मतलब इतनी बाबा से हमें प्राप्तियां होने लग जाती है। दूसरा, बाबा से ज्ञान का खजाना मिला, गुणों का खजाना मिला, शक्तियों का खजाना मिला, पुण्य कर्मों का भी हमारा खाता बनने लगा। तो ये जो भी कुछ हमें बाबा से प्राप्त हो रहा है वो बहुत ऊंची उपलब्धि है, जो बाबा के सिवाय कोई भी नहीं करा सकता। और इसलिए इस नशे में हम रहे कि मुझे कौन मिला है और मुझे कौन प्राप्ति करा रहा है। अगर ये बातें हम सोचते हैं तो हम बहुत आगे बढ़ते हैं। जैसे खजाना मिलता जाता है और हम आगे बढ़ते जाते हैं, हम मंजिल की ओर पहुंचने लगते हैं। तो अभी हमारा लक्ष्य एक ही है कि मुझे बाप समान कनिष्ठा बनना है। और ये हमारा लक्ष्य हम इतना पक्का करते जाए, इतनी दृढ़ता उसमें हमारी बनती जाए, इतनी लगन बढ़ती जाए, तो हमारा जो परिष्ठा स्वरूप है वो न हमें खुद को फील होगा लेकिन अनेक आत्माओं को भी ये फील होने लगेगा कि सचमुच ये एक अवतरित आत्मा। अभी उनको लगता है कि ये साधारण है लेकिन धीरे धीरे हमारे संपर्क में आने लग जाएंगे तो उनको लगेगा कि ये एक अवतरित आत्मा है, ये भगवान का मैसेंजर है, ये महसूस होने लगेगा। इसलिए अभी समय है, ये समय को हम
सफल करे, क्योंकि समय भी अमूल्य श्रेष्ठ खजाना है। और सचमुच मुझे तो लगता है कि अभी जो हमें समय मिला है ना, वो संगम युग में सबसे बेस्ट समय है। जब से हम बाबा के बने तब से लेकर के ये जो समय वर्तमान में चल रहा है वो सबसे श्रेष्ठ समय, अमूल्य समय है। इसको तो मुझे बिल्कुल भी व्यस्त नहीं करना है, क्योंकि बाबा ने हमें ये भी कहा है कि संगम युग का एक सेकंड एक वर्ष के समान है। तो आप सोचिए, एक सेकंड एक वर्ष के समान है। तो अगर हम एक एक सेकंड को सफल करते जाए तो हमारे कितने वर्ष सफल होते जाएंगे, यानी हमें कितनी प्राप्ति होगी बाबा से, हमारे हर जन्म में हमें कितनी प्राप्ति होगी, हमें कितनी प्रारब्ध मिलेगी। इसलिए अभी हम यही सोचते हैं कि बाबा हमारे से जो करवा रहा है वो मुझे करते ही जाना है, क्योंकि अभी समय मिला है। शायद ऐसा समय हमें वीर से ना मिले, क्या पता, क्योंकि समय तो बदलता जाता है ना, परिवर्तनशील है। तो समय परिवर्तन होगा ना, तो शायद हम समझे कि अंत में भी हमें तो ऐसे टाइम मिल जाएगा जैसे अभी टाइम मिला है, अभी हम लॉकडाउन में है, तो शायद आगे भी ऐसे समय आएगा, लेकिन वो समय का रूप ही बदल जाएगा। अभी जो समय है वो तो हमें बाबा ने घर बैठे पुरुषार्थ करने के लिए दिया है कि हम अपने पुरुषार्थ में तीव्रता लाए। और सचमुच ये समय में बहुत सारे बाबा के बच्चों का अलबेलापन और आलस्य मिट गया है, क्योंकि उनको भी अभी अंदर से आने लगा है कि सचमुच अभी मुझे कुछ करना चाहिए। पहले इतना अटेंशन नहीं था, चल रहे थे बेफिकर होकर के, लेकिन अभी पुरुषार्थ की फिकर उनको जरूर आई है कि नहीं अब मुझे करना ही है। तो बाबा ने अभी ये जो समय दिया है, ये समय को मुझे पल पल सफल करना है। और उसके लिए अभी देखा जाता है ना कि बाबा की याद एक नेचुरल बन गई है। हम कर्म भी कर रहे हैं, बातचीत भी कर रहे हैं, और जो भी कुछ है कार्य व्यवहार में कर रहे हैं, लेकिन जैसे लगता है कि बाबा हमारे साथ है, बाबा की छत्र छाया मेरे ऊपर है और बाबा मेरे साथ साथ है। तो जब ऐसी फीलिंग्स आती है ना, तो पुरुषार्थ बहुत सहज हो रहा है, बहुत सरल हो रहा है, कोई मुश्किलात नहीं आ रही है, कदम कदम बाबा की याद बनी रहती है। और ये सभी ब्राह्मण बच्चों का अनुभव होगा, ये हम तो अनुभव कर ही रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है सब ब्राह्मण बच्चों का ये अनुभव है कि जैसे बाबा हमारे जीवन को बहुत स्मूथली चला, पुरुषार्थ भी बहुत स्मूथली चल रहा है, किसी को ऐसे नहीं लग रहा है कि कोई बोझ है। पहले जब नौकरी धंधा करते थे, परिवार संभालते थे, तो वो सब कुछ संभालते हुए पुरुषार्थ करना जैसे बोझ जैसा लग जाता था, हम कर नहीं सकते, हमारे से हो नहीं सकता, ऐसे थोड़ी फीलिंग्स आती थी, इसलिए वो पुरुषार्थ भी बोझ वाला बन जाता था, इसलिए हम सहज कर नहीं पाते थे, योग अच्छा नहीं लगता था, क्योंकि हम खुद से ही असंतुष्ट थे। लेकिन अभी हमें ऐसे लग रहा है कि जैसे हम पुरुषार्थ भी सरलता से कर रहे हैं, हम खुद अपने आप से भी संतुष्ट है और पुरुषार्थ से भी संतुष्ट है, क्योंकि बाबा ने हमें ये गिफ्ट दी है, पुरुषार्थ करने के लिए ये गिफ्ट मिली है। और इस लिफ्ट के कारण हम चलती कला की ओर जा रहे हैं, इस लिफ्ट के कारण हम बहुत आगे बढ़ रहे हैं पुरुषार्थ में। तो ये बाबा का ब्लेसिंग है, मुझे तो ऐसे ही लग रहा है कि बाबा का हर बच्चों के लिए ब्लेसिंग है कि जो बच्चे पुरुषार्थ नहीं कर पा रहे थे वो भी अभी पुरुषार्थ करने लग गए। तो ये क्या है, ये बाबा की ब्लेसिंग ही तो है। बाबा अभी तक हम बच्चों को चला रहे थे बहुत प्यार से,
बहुत स्नेह से, क्योंकि बाबा भी यही समझ के ना बच्चे बच्चे कह करके प्यार से चला रहे थे है। तो अब बाबा ने सोचा कि चलो अभी मैं अपने बच्चों को ऐसे कुछ मतलब बाबा का वरदान कहो, बाबा की आशीर्वाद कहो कि वो हाथ हमारे सिर पर है जिसके कारण सभी अच्छी तरह से सहजता से पुरुषार्थ कर रहे हैं और हम आगे बढ़ रहे हैं। और हमें तो लगता है कि ऐसे पुरुषार्थ हमारा चलता ही रहे, भले कारोबार भी बढ़ता जाएगा, क्योंकि अभी ये सब कुछ पूरा हो जाएगा तो हमें अपना कारोबार तो करना ही होगा, चाहे लौकिक हो चाहे अलौकिक हो। लेकिन वो कारोबार करते हुए भी अभी का जो पुरुषार्थ है ना वो हमें बहुत मदद करेगा। मुझे ऐसे महसूस होता है कि हमें बहुत मदद मिलने वाली है अभी के पुरुषार्थ की, जो हम कारोबार करते हुए भी सहज बाबा को याद कर पाएंगे और बाबा की ज्ञान की बातों का मनन चिंतन भी कर पाएंगे और बाबा के ब्लेसिंग हमारे ऊपर होती ही रहेगी और हम सभी आगे बढ़ते जाएंगे। और ऐसे चलते चलते ही मुझे लगता है विनाश का समय भी आ जाएगा ना, हमारा पुरुषार्थ भी अच्छा होता जाएगा, फास्ट होता जाएगा, विनाश का समय भी नजदीक आता जाएगा और बाबा के बच्चों का साक्षात्कार भी होने लगेगा। क्योंकि हमने आपको पहले ही बताया कि अभी फरिश्तों का झुंड प्रत्यक्ष होने वाला है, जब इतने सारे फरिश्ते सारे विश्व में नजर आने लग जाएंगे, सबकी नजर उनकी तरफ होगी और सभी को साक्षात्कार होने लगेगा और बाबा की भी प्रत्यक्षता होने लगेगी। तो हम सभी बाबा के एक एक बच्चे यही चाहते हैं कि बाबा की प्रत्यक्षता हो जाए। तो हमारा पुरुषार्थ जितना फास्ट होता जाएगा, हम बाबा के समीप आते जाएंगे, बाबा के समान बनते जाएंगे, तो प्रत्यक्षता भी बहुत जल्दी होने लगेगी। क्योंकि बाबा चाहते हैं कि बाबा के बच्चों के चलन और चेहरे से बाबा दिखाई दे। और सचमुच हमें तो बहुत पहले से ये बात बाबा की सुनी थी, तब से बहुत अच्छा लगता था कि बाबा जो चाहता है ना कि मेरे एक एक बच्चों के चेहरे से बाबा दिखाएंगे। तो मुझे ये विजुलाइज करती हूँ कि जैसे हमारा ये चेहरा है ना, शरीर के अंदर जो मिला हुआ ये चेहरा है, इस चेहरे पर जैसे बाबा का सिंबल आ जाएगा और वहां से जैसे असंख्य किरणें निकलेगी और वो असंख्य किरणें जैसे सारे विश्व में फैलेगी। ये मैं बहुत विजुलाइज करती हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगता है और ऐसे लगता है कि सचमुच ये चेहरा बाबा की प्रत्यक्षता करा दे। क्योंकि जितना हम अभी से विजुलाइज करते जाएंगे तब तो वो साकार होगा, कोई भी चीज अचानक कैसे हो जाएगी, उसके लिए हमें पहले से इमेज करना पड़ता है। जितना हम वो इमेज बनाते जाएंगे उतना वो साकार होता जाएगा। इसलिए मुझे ये बात बहुत पसंद आती है कि जैसे ये चेहरा छिप जाएगा और यहाँ बाबा का सिंबल दिखाई देगा और जो भी दुनिया वाले देखेंगे उनको ऐसा लगेगा जैसे चैतन्य में परमात्मा सृष्टि पर आ चुका है। क्योंकि हमारा देह तो लुप्त हो जाएगा, वो तो किसी को नजर नहीं आएगा, सिर्फ बाबा ही नजर आएगा। તમારું કોકીબેન અનમ્યુટ કરો ને, ઓકે આયા બસ જી હા 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 બે ચાલુ કરો યાર, ચાલુ રાખો।
સંભળાય છે? તમે ચાલુ રાખો તમારો. જી બેન. કુકીબેન તમે ચાલુ રાખો. બંધ છે મારું? ના, તમારું સંભળાય છે, તમે તમારું કન્ટિન્યુઅસ કરો. ઓકે ઓકે. ક્વેશ્ચન આન્સર કુછ હોને વાલા થા? હા, વો બતાએંગે આપકા. હા, જૈસે હમ અભી બતા રહે થે વર્તમાન સમય કી બાતે, તો બાબા ને હમે જો તૈયાર કિયા હે वो भविष्य के लिए किया है, क्योंकि बाबा चाहता है कि हम सभी ब्राह्मण बच्चे देवता बन जाए, और देवता बनने के लिए प्रैक्टिकल में हमें देवताओं जैसा संगम युग में ही बनना होगा. देवताई शरीर तो बाद में मिलेगा, लेकिन देवताई लक्षण मुझे संगम युग में ही धारण करना होगा. इसलिए हमें बार बार देवताओं के साथ अपने आप को टैली भी करना है कि जब देवताओं की दृष्टि ऐसी है तो मेरी दृष्टि भी ऐसी बन जाए, जब देवताओं के बोल ऐसे थे तो मेरे बोल ऐसे हो जाए, देवताओं का व्यवहार ऐसा था तो मेरा व्यवहार मेरा कर्म ऐसा हो जाए, देवताओं का आपस में संबंध कैसा था एक दूसरे के साथ तो मेरा भी वैसा बन जाए. तो मैं बार बार अपने आप का चिंतन करती जाऊं, अपने आप को ऐसा बनाती जाऊं, तब तो औरों को फीलिंग आएगी कि हमारा जो ये स्वरूप है वो देवताई बनने लगा है. तो अभी हम सभी को यही देवताई स्वरूप की भी प्रत्यक्षता करानी है, बाबा की भी प्रत्यक्षता करानी है, क्योंकि ये वर्तमान समय हम सबको पुरुषार्थ की लिफ्ट लेकर के आया है, और इसलिए हम सब उसी पुरुषार्थ में जुट जाए. और जैसे बाबा चाहता है कि आप सभी तपस्वी मूर्त बन जाए, तो अभी हमारी तपस्या तो चल ही रही है, लेकिन तपस्या में त्याग भी बहुत जरूरी है, और बिना त्याग तो तपस्या हो नहीं सकती. तो सबसे पहला हमारा त्याग भी होना चाहिए, देहभान का त्याग. जैसे आपको बताया कि नष्ट मोहा बनने के लिए भी देहभान का त्याग, तपस्वी मूर्त बनना हो तो भी देहभान का त्याग, क्योंकि जब हम देह से उपराम हो जाते हैं तब ही हम आत्मिक स्मृति में स्थित होते हैं, और ये हमारा अभ्यास अभी बहुत बढ़ाने की आवश्यकता है, क्योंकि हम जितनी आत्मिक स्मृति में रहेंगे तो हमारे द्वारा दूसरों को भी अनुभूति होने लगेगी, और आत्माएं भी ऐसे महसूस करेगी कि हम भी एक आत्मा है, हमारे वाइब्रेशन उनको मिलने लगेंगे, और वो खुद अपने देह के भान को बोल करके आत्मिक स्मृति में स्थित हो जाए. क्योंकि ब्रह्मा बाबा का ये पुरुषार्थ हम सभी जानते हैं कि बाबा ने आत्मिक स्मृति में स्थित होने के लिए बहुत मेहनत की, बहुत पुरुषार्थ किया, वैसे हम भी करें. अभी समय है, तो हम जितना ही पुरुषार्थ को बढ़ाते जाएंगे तो हम बिल्कुल आत्मिक स्मृति में स्थित हो जाएंगे, तो बाबा भी हमें बाबा की भी स्मृति आने लगेगी, और बाबा की स्मृति आएगी तो प्रत्यक्षता होगी. और जैसे अभी हम देख रहे हैं कि बाबा के बच्चे अपने आप को भरपूर कर रहे हैं, संपन्न कर रहे हैं, क्योंकि जितनी संपन्न चीज होती है वो हिलती नहीं, भरपूर चीज हलचल में नहीं आती है. तो अभी हम अव्यक्त वाणी को भी पढ़ते जाते हैं तो बहुत बाबा के खजाने मिलते जाते हैं. पढ़ते पढ़ते भी महसूस होता है कि बाबा ने हमें एक एक महावाक्य जो सुनाया है उसमें कितनी गुह्यता है, और ऐसी बाबा की कितनी सारी अव्यक्त वाणी है वो सुनते सुनते तो शायद पूरा संगम युग हो जाएगा, इतनी गुह्यता उसमें भरी हुई है. लेकिन जितना हम पढ़ते हैं उसमें से जो भी बातें हम प्रैक्टिकल में ला सकते वो लाना शुरू करें और गुह्यता में जाना शुरू करें, तो सचमुच हम मालामाल हो जाएंगे, भरपूर हो जाएंगे, तो कोई भी परिस्थिति हमें हलचल में नहीं ला सकती. क्योंकि अभी क्या होता है कि छोटी छोटी बातें भी हमने
हमारे पास आती है, हम हलचल में आ जाते, अपसेट हो जाते, मूड ऑफ हो जाता है ना। छोटी छोटी बातें हमें बहुत हिला देती है, लेकिन हम खुद भरपूर हो जाएंगे ना, मतलब आत्मा संपन्नता की समीप आ जाएगी, मतलब बाबा से इतनी प्राप्तियां उन्हें होने लग जाएगी तो वो संपन्न होगी, और संपन्न होगी तो फिर वो कभी भी हलचल में नहीं आएगी, आत्मा संतुष्टता की अनुभूति करेगी। जो भी बात उनके सामने आएगी नहीं तो उसे ऐसे लगेगा जैसे नथिंग है, ये तो ड्रामा की नोंद है, कल पहले भी हुआ था और अभी भी हो रहा है। इसलिए अभी विशेष अंतर्मुखता की गुफा में जाने का समय मिला है, हम जितना हो सके साइलेंस में रहे, और साइलेंस में रहने से हम बहुत अनुभूति कर सकते हैं, ये हमने खुद ने अनुभव किया है, क्योंकि पहले तो सेंटर में सारा दिन भाई बहने आते रहते थे तो बातचीत करना पड़ता था, अभी तो वो बातचीत करने का तो ऐसे ही होता है फोन के द्वारा या ऐसे मिलना होता है, तो इतनी बातचीत तो नहीं हो पाती है, इसलिए हम साइलेंस में जाने का अभ्यास करते हैं, और जितना साइलेंस में जाते हैं उतना आत्मा को इतनी अच्छी फीलिंग आती है, और ऐसे लगता है कि जैसे ऐसे ही साइलेंस में हम डूबे रहे, क्योंकि वो साइलेंस की जो चाहना आत्मा को थी वो चाहना जैसे उनकी अभी पूरी हो रही है, बहुत सालों की जो चाहना ना कि साइलेंस में रहे, अंतर्मुखता की गुफा में रहे, तो बाबा ने अभी जो बाहर की सेवा बंद करा दी है तो अभी हम अंदर की सेवा शुरू कर दिया है, यानी अपनी अंतर्मुखता की गुफा में जाना, अंतर आत्मा की चेकिंग करना ना, वो सेवा करने से भी हमें बहुत सुख फील होता है, बहुत अच्छा लगता है, ऐसे लगता है जैसे आत्मा को कुछ प्राप्ति हो रही है, और इससे ही हम संपन्नता के समीप जाएंगे, और बाबा भी जो चाहता है तो बाबा की चाहना को हम बहुत जल्दी से जल्दी पूरी कर सकेंगे। तो बाबा ने जो कहा था कि साइलेंस से साइंस पर विजय होगी, तो अभी वो समय आया है कि बाबा के बहुत बच्चे साइलेंस की अनुभूति में खोए हुए हैं, और साइंस भी अपना कार्य कर रही है, लेकिन हम बाबा के बच्चे देखो साइंस के साधनों का कितना प्रयोग कर रहे हैं, एक दूसरे की सेवा के लिए, पालना के लिए, तो ऐसे लग रहा है कि अभी साइंस के साधन हमारे लिए एक ब्लेसिंग बन गया है, आशीर्वाद बन गया है, क्योंकि ये साधन हम एक दूसरे से जोड़ कर रखता है, और हम साइलेंस की भी अनुभूति करते और साइंस के साधनों का भी प्रयोग करते हैं, अभी दोनों हमारे पास होते हुए भी हम कितने न्यारे और उपराम हैं, ये सब कुछ होते हुए भी हमारी स्थिति बहुत उपराम रहने लगी है, ये सब अनुभव करते हैं। हम सब बाबा के बच्चे अभी इसी पुरुषार्थ में झुके हुए हैं, बाबा के एक एक वरदान को भी हम अपने जीवन में अप्लाई करते हैं, तो सचमुच लगता है कि हमारा पुरुषार्थ बहुत सहज हो रहा है। पहले पुरुषार्थ बहुत मुश्किल सबको लगता था, भाई बहने भी सुनाते थे तो ऐसे कहते थे कि काम से फुर्सत नहीं मिलती, नहीं तो जो जो बाबा पुरुषार्थ की विधि बताते हम उसको अपना नहीं सकते हैं, लेकिन अभी हम देख रहे हैं कि वो पुरुषार्थ की विधि को सहज अपना रहे हैं, तो ऐसे करते करते जब उनकी स्थिति बहुत अच्छी बन जाएगी फिर वो कारोबार में भी आएंगे तो वो स्थिति उनकी मेंटेन रह सकेगी। जैसे ओम शांति।